किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसको कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वो बेहद दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गया होगा। तो आज है मंडे, इट्स मंडे मॉर्निंग, 10:15 के अराउंड टाइम हुआ है, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। और जैसा कि आपको पता है, मैंने लास्ट मंडे से व्रत रखना स्टार्ट किया है, तो बस आज भी व्रत रखा है। पूजा वगैरह आपके सामने आज मैंने की। और मैं सुबह ना जब वॉक करने निकली थी तो मैं रोजेस ले आई थी, 4 रोजेस लेके आई, क्योंकि मुझे ना फ्लावर्स को प्लक करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट मैंने सोचा चलो पूजा के लिए ले लेती हूँ। तो बस 4 रोजेस एक जगह थी, वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे, तो मैंने 4 ले लिए और पूजा में चढ़ाया, बहुत अच्छा लगा। और अभी ना धीमी धीमी सी खुशबू आ रही है, क्योंकि मैंने अगरबत्ती लगाई है ना, तो उसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। और पूरे पैटियो में, मतलब बाहर में बैठी हूँ अभी पैटियो में, तो पैटियो में भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये मेरा लिटिल गणेश जी है, जिन्होंने भी मम्मा के साथ पूजा करी है, राइट गोविंद ने भी पूजा करी है। इसको भी पूजा करने में बड़ा मजा आता है मम्मी के साथ ना, दिया लगाने में, बत्ती लगाने में। एक्चुअली शायद उसे पूजा का मतलब अभी नहीं पता, बट उसे वो मंदिर के सामने बैठ के वो सब नॉटी हरकतें करने में बहुत मजा आता है। और अभी हम लोग ना बाहर बैठे हैं, क्योंकि आज ना हमारे घर के पीछे जो लेक है वहाँ पे कुछ फायर डिपार्टमेंट का कुछ ट्रेनिंग चल रहा है, तो बहुत सारे फायर ट्रक निकल रहे हैं घर के सामने से। तो गोविंद को फायर ट्रक्स देखना बहुत पसंद है, तो इसीलिए वो बाहर बार बार पॉइंट कर रहा था। मैंने कहा चलो अभी बाहर ले आती हूँ। हाँ, मैंने लस्सी बनाई है, थोड़ा सा भुना जीरा और नमक डाल के, और गोविंद के लिए मैं थोड़ा सा बनाना शेक बना के लेकर आई हूँ, क्योंकि उसने बहुत आज जल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया था, आई थिंक 7:30 के अराउंड कर लिया था, तो मैंने सोचा चलो उसे बनाना शेक पिला देती हूँ। अभी ना मैं अपने फोन में कुछ पुरानी फोटोज देख रही थी, एंड आई केम अक्रॉस दिस फोटो, जो कि 11 मंथ्स पुरानी है। लास्ट ईयर मेरे मम्मा पापा जब US आए थे हम लोगों को विजिट करने, तब की ये फोटो है, और उनकी गोदी में गोविंद बैठा है। मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ, ये देखो गोविंद कितना छोटा लग रहा है। अगर आप 6 मंथ्स पहले की भी फोटो देखो ना, तो बच्चे मतलब ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी ग्रो हो गए। अभी मैं देखती हूँ तो लगता है अरे बहुत छोटा है ये, बट इसकी पुरानी फोटोज देख के लगता है कि नहीं यार बड़ा हो गया, समझदार हो गया, थोड़ा सा इसका बॉयश लुक आने लगा है अब। और मैं आपको बताऊँ, ये वाली टी शर्ट ना अभी मैंने इसे वीकेंड पे पहनाई थी, उस टाइम पे फोटो में आपको दिख रहा होगा शायद टी शर्ट थोड़ी सी लूज थी, और अब ये टी शर्ट काइंड ऑफ इसको फिट आती है। तो बच्चे ना बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कैसे टाइम निकल गया। पता है आज मुझसे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई, मुझे पता ही नहीं चला कि आज मैं ब्लॉग कर रही थी। मैंने आपको आई थिंक मॉर्निंग में दिखाया था कि मैं ब्रेकफास्ट बाहर बैठे हम लोग कर रहे थे, उसके बाद मैं अंदर आई और मैंने अपना कैमरा रूम में रख दिया, और बस मैं अपने कामों में लग गई। गोविंद के साथ प्ले किया, फिर उसको लंच कराया, उसको सुलाया, और उसके सोते ही मैं अपनी वीडियो एडिट करने लगी जो मैंने वीकेंड पे बनाई थी। और अभी एक वीडियो एडिट करके जब मैं उठी, तो मैंने सोचा चलो नेक्स्ट वीडियो की जो क्लिप्स हैं वो मैं ट्रांसफर कर देती हूँ। और फिर मैंने अपना कैमरा देखा और मुझे याद आया, ओह माय गॉड, मैं आज व्लॉग बना रही थी। तो इतनी बड़ी मतलब कनेक्शन डिसकनेक्शन हो गया मॉर्निंग से इवनिंग तक का। अभी इवनिंग हो गई है, 4:30 बज गए हैं, और मैंने सोचा है कि मैं ना अब आपको व्लॉग्स में ही दिखाऊंगी कि मैंने अपने घर के लिए क्या क्या सामान लिया है। इट माइट बी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू वॉच। तो आज मैं किचन का आपको दिखाती हूँ। मैंने Part 1 बनाया था जिसमें आपको कंप्लीट हॉल किया था, थोड़े से सामान दिखाए थे किचन के, तो अब मैं सोच रही हूँ जो बाकी के सामान है वो मैं व्लॉग्स के थ्रू आपको दिखाऊंगी, थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करूंगी। तो आज मैं आपको अपना वाटर फिल्टर दिखाती हूँ जो मैंने कॉस्को से लिया है। ये मीविया ब्रांड का है और ये इस तरीके का वाटर पिचर है। इसमें आप ऊपर में जो टैप वाटर है वो फिल करेंगे और ये कार्ट्रिज के थ्रू फिल्टर होके नीचे वाले पिचर में पानी आपका कलेक्ट हो जाएगा। और इस पैक में 2 कार्ट्रिजेस आती हैं जो कि कर्कलैंड ब्रांड की है, जो कि बहुत ही अमेजिंग ब्रांड है कॉस्को की। और मैं अभी आपको एक्चुअल दिखाती हूँ, ये फिल्टर है देखिए, और ये बहुत ही अच्छा ना पिचर की तरह काम भी करता है। तो आप वाटर ऊपर फिल कर दीजिए और जो फिल्टर्ड वाटर है वो नीचे आपका कलेक्ट हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ना इसकी लिड पे ही
इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेटर है, जब भी आपको कार्ट्रिज चेंज करनी होगी ना तो ये आपको इंडिकेट कर देगा. एंड दिस पैक सेज कि आप इसकी कार्ट्रिज हर टू मंथ्स में या फिर 40 gallons of water filter करने के बाद आपको चेंज करना है, विच इज़ अ प्रिटी गुड डील. और इसकी यूनिट ना इतनी ज़्यादा स्लीक और दिखने में सुंदर है कि आपकी किचन में रखा हुआ भी बहुत सुंदर लगता है, और बहुत ही ईजी असेंबली है, तो आप उसको पूरा खोल के अच्छे से वॉश करके यूज़ कर सकते हो. तो अभी साहब भी आ गए हैं ऑफिस से, और अभी मैं बनाऊंगी कुछ इवनिंग स्नैक्स. जनरली मैं कुछ इवनिंग स्नैक्स नहीं बनाती क्योंकि हम लोग अर्ली डिनर कर लेते हैं, तो बस ठंडाई बना रही हूँ. ये ठंडाई पाउडर मैंने घर में ही बनाया है, और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. बहुत ही टेस्टी बनी है, आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा. और गोविंद को ठंडाई का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसीलिए मैं उसको गर्म दूध ही पिलाती हूँ. तो बस अभी हम लोग बाहर बैठे हैं, थोड़ा सा वेदर इन्जॉय कर रहे हैं और अपना फैमिली टाइम थोड़ा सा इन्जॉय कर रहे हैं. अभी गोविंद अपने डैडी के साथ खेल रहा है और मैं वापस से किचन में आई हूँ डिनर प्रिपेयर करने के लिए. आज बिना प्याज और गार्लिक का खाना बनना है, तो सिंपली डिनर बनेगा. आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी और दही वाली पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, जो मैं नवरात्रों में भी बनाती हूँ. तो मैं जनरली ऐसा करती हूँ कि जब मुझे कुकिंग करनी होती है तो मैं पहले सारी चॉपिंग कम्प्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद एक साथ जाके कुक करती हूँ. इससे मुझे लगता है कि टाइम काफ़ी सेव हो जाता है, बैक एंड फोर्थ नहीं करना पड़ता कुकिंग एंड चॉपिंग के बीच में. तो देखिए मैंने आलू वगैरह सब चॉप करके रख लिया है, ग्रीन चिलीज़ और अदरक वगैरह. अभी टमेटोज़ मैं चॉप कर रही हूँ क्योंकि इसकी मुझे प्योरी बनानी है सब्ज़ी के लिए. तो देखिए अब मैं कुकिंग प्रोसेस में एंटर कर गई हूँ, और अभी दो पैन रख के मैं फटाफट से सारी सब्जियाँ बना के ख़त्म कर दूंगी. तो अभी छोटे वाले पैन में मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, सिंपल बेसिक सब्ज़ी ही है. सरसों के तेल में मैं बनाती हूँ, तो हींग जीरे का तड़का लगाया है, उसके बाद ग्रीन चिली और अदरक डाल के आलू गोभी डाल दी है, और थोड़ा सा इसमें कोरिएंडर पाउडर और सॉल्ट ऐड करूँगी, दैट्स अबाउट इट. और बस मिक्स करके इसे रख दूँगी लो फ्लेम पे, ये अपना सिकती रहेगी, इतने में मैं अपनी दूसरी सब्ज़ी प्रिपेयर कर लूँगी. आप चाहें तो इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं, मटर भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं. तो देखिए मैंने उसको दूसरी गैस पे शिफ्ट कर दिया है, और अभी मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ. तो मैंने 4 टमाटर, 2 ग्रीन चिली और थोड़ा सा जिंजर पीस का प्योरी बना लिया है, और फिर घी में थोड़ा सा हींग जीरे का तड़का लगा के प्योरी को मैं अच्छे से सेक रही हूँ. जब तक प्योरी आपकी अच्छे से नहीं सिकेगी तो टमाटर का कलर नहीं आएगा. तो देखिए पूरी जब पानी प्योरी से सूख जाएगा तब आपका जो ग्रेवी का कलर है ना वो भी बहुत अच्छा आएगा. और उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 कप के अराउंड दही ऐड किया है, रूम टेम्परेचर वाला. आप चाहें तो दही की जगह क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, बट ये डेली की सब्ज़ी है तो मैंने क्रीम अवॉइड किया है, जस्ट टू मेक इट अ लिटिल मोर हेल्दियर. और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड किया है कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए. और अभी मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने एक स्किलेट पे ट्रांसफ़र कर ली है थोड़ा सा और अच्छे से सेकने के लिए. और सूखी सब्ज़ी में मैं आपको यही बोलूँगी कि जब आप सूखी सब्ज़ी बनाएं तो एंड में थोड़ा सा गरम मसाला और अमचूर पाउडर ज़रूर ऐड करें, उससे टेस्ट बहुत एनहांस हो जाता है. और देखिए मेरी ये पनीर की ग्रेवी भी रेडी हो गई है, तो उसमें मैं छोटा छोटा कटा हुआ पनीर भी ऐड कर दूँगी. पनीर मेरे घर पर सभी को बहुत पसंद है, इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही पनीर ऐड करती हूँ, और थोड़ा सा धनिया पत्ता गार्निश करने के लिए. तो बस मेरी सब्जियां रेडी हो गई हैं, तो मैं अभी आटा वगैरह भी लगा लूँगी, और आटा लगा के मैं 15-20 मिनट छोड़ देती हूँ, उसके बाद रोटी बनाती हूँ, तो रोटियां भी बहुत सॉफ्ट निकल के आती हैं. इस टाइम पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा आटा लगा लेती हूँ डिनर टाइम पे, जिससे कि नेक्स्ट डे मैं अपने हस्बैंड को फ्रेश रोटी या पराठे लंच में पैक करके दे पाऊँ. और मैं आटे में कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ मिक्स कर लूँ, लाइक मैंने आज ओट्स का आटा ऐड किया हुआ है, इससे आटा थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है, और आप कम्प्लीटली व्हीट फ्लोर नहीं खाते, जो काफ़ी कहते हैं कि वेट लॉस अगर आप कर रहे हैं तो व्हीट फ्लोर कम खाना चाहिए. तो इसीलिए मैं कभी ओट्स कभी बाजरी फ्लोर वगैरह ऐड करके ही अपना डो बनाती हूँ. तो देखिए अभी बस मेरा आटा बन गया है अच्छे से, और उसको मैं रख दूँगी, उसके बाद फिर मैं इसकी गर्मा गर्म रोटियाँ सेक लूँगी. और ये मेरा डिनर बिल्कुल तैयार है. डिनर में कॉम्प्लीमेंट डालने के लिए मैंने एक हरी धनिया की चटनी और बना ली है साथ ही में.
तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी, होप करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इफ सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो। फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए।